नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय मैं हिमाचल प्रदेश में मंडी में हूं। इस एपिसोड की शुरुआत हम कर रहे हैं लंच करके, उसके बाद थोड़ा लोकल घूमेंगे, फिर हम रिवालसर जाएंगे। इस समय हम बस स्टैंड के पास ही खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं लिखा हुआ है पारंपरिक खाना यहाँ पर मिलता है। हम इधर चलते हैं और मंडियाली धाम खाएंगे। भैया, हम आपके पास मंडियाली धाम खाने आए हैं। मिलेगी समय? मिलेगी। हमें लग रहा था 4:30 बज गए, शायद लेट हो गए। ठीक है, बैठते हैं अंदर। ढाबे में जो भैया हैं, इन्होंने बोला कि हम तो क्या करते हैं कि थाली में सब कुछ एक साथ दे देते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर मेथड से खाना चाहते हो, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, तो उसमें एक एक करके सब्जी दी जाती है। तो मैंने बोला हमारे को आप प्रॉपर सिस्टम से ही दो। अब देखिए, कांसे की थाली है और राइस साथ में हमको मिली है सेपू वड़ी पालक। तो इसको सेपू वड़ी बोलेंगे तो इसका ऑब्वियस मतलब है पालक साथ में रहती ही रहती है। इससे हम मंडियाली धाम की शुरुआत कर रहे हैं। सेपू वड़ी उड़द दाल से तैयार की जाती है। एक बार आप इसका टेक्सचर भी देख लीजिए। सेपू वड़ी सॉफ्ट है, दरदरा सा टेस्ट है। इसको थिक लेवल पे पीसा गया है और पालक के साथ इसका जो जॉइंट फ्लेवर है बेहतरीन है। इसके अंदर हल्का हल्का घी का फ्लेवर है, मोटी इलायची के भी फ्लेवर हैं। वेरी टेस्टी और सो मच डिफरेंट, बहुत डिफरेंट टेस्ट यहाँ पे इंजॉय कर रहा हूँ मैं। कब से उम्मीद लगा के बैठा था हिमाचल प्रदेश जाऊँगा ना और मंडी जाऊँगा तो मंडियाली धाम वहाँ जाके खाऊँगा, और आज मेरी तमन्ना पूरी होगी। भैया ये क्या? राजमा। लोकल राजमा है। दूसरी बात, इसको बनाने में दही का इस्तेमाल होता है। ये दो चीज मैं समझाऊं। यहां पर राजमा के फ्लेवर्स अलग हैं। इसमें हमको धनिया का फ्लेवर आ रहा है, इलायची का फ्लेवर आ रहा है, दालचीनी का फ्लेवर आ रहा है। टेस्ट में फर्क है और मजेदार है, फुल ऑफ फ्लेवर्स। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम कितनी है? चावल मिला के, चावल के साथ 7 आइटम है। बढ़िया। ये क्या चीज है? ओ गॉड, छुआरे, कद्दू का खट्टा, उसके अंदर छुआरे का मधुर स्वाद, इमली की खटास, उसमें हल्की हल्की गुड़ की मिठास, और वो छुआरे तो भी मैंने आपको बताया, एकदम टेस्ट चेंजिंग चीज है। कद्दू का खट्टा मेरे को बेहद पसंद आ रहा है। माँ की दाल इसको झोल के साथ खाया जाता है, ऐसा मुझे भाई साहब ने बताया। ये कह रहे हैं कि झोल लस्सी से तैयार होता है, जीरा धनिया का तड़का लगता है, थोड़ा इसमें मिक्स करके हम खाएंगे। अच्छा, झोल, झोल, ओ वाह, तो झोल को हमने माँ की दाल में मिक्स कर दिया, मिक्स करके खाया था ये। कोई तीसरा ही फ्लेवर आ गया, माँ की दाल का टेस्ट और झोल का टेस्ट आपस में मिक्स हो गए हैं। हल्की हल्की मेरे को खटास महसूस हो रही है, सरसों का फ्लेवर आ रहा है। सरसों का फ्लेवर का मतलब है सरसों का तेल में चीज को तैयार किया गया, वो बात का फ्लेवर है। अभी तक मैंने जो जो खाया है इन सब में एक चीज कॉमन है और वो है गर्म मसालों के फ्लेवर्स हर चीज में है। ये क्या जी? बदाने का मिठाई। किसका मीठा? बदाने का मीठा, दाल का मसाला है जी। मीठे को हम चावल के साथ खाएंगे? चावल के साथ खाएंगे। अच्छा, ये तो बताओ। तो ये उड़द की दाल का बनता है। अच्छा, उसको पीस के उसको तला जाता है, फिर जैसे बूंदी निकालते हैं वैसे निकालते हैं इसको आज के साथ। जैसे बूंदी निकालते हैं। अच्छा, ये देखिए जी, कम्प्लीटली न्यू थिंग फॉर मी। एक तो मीठी चीज़ें हम लास्ट में खा रहे हैं वो तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन इसको चावल के साथ खाया जाएगा ऐसा इन्होंने बताया। ये पारंपरिक तरीका है। राइस के साथ
ऐसा कॉम्बिनेशन जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, जैसे वो उड़द दाल से जलेबी बनती है ना, जो कुछ कुछ वैसा टेस्ट लेकिन फ्लेवर्स अलग है। मैं आपको बताना भूल गया था, अभी मैंने नोटिस किया जब ये लेकर आए, इसमें मेरे को मगज का भी फ्लेवर आ रहा है। आप देखो इनके बर्तन में मगज भी हमें दिखाई दे रहे हैं। फूड हमने ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया, आपको कुछ देर में दोबारा ज्वाइन करते हैं। पुरानी मंडी से एक गौ माता आती थी, यह जंगल होता था उस टाइम, तो यहाँ दूध चढ़ाती थी किसी एक विशेष जगह पे। ऐसा ग्वाले ने देखा, जानकारी राजा साहब को ही बताया, तो यह देखा गया क्या है ऐसा, तो शिवलिंग निकला जो बाबा भूतनाथ जी का स्वयंभू शिवलिंग है। फिर राजा साहब को कुछ स्वप्न हुआ मंदिर निर्माण के लिए, तो राजा साहब ने निर्णय लिया कि मंदिर निर्माण करवाना है। और फिर कई सालों तक निर्माण कार्य चलता रहा और 1527 ईस्वी में मंदिर निर्माण पूर्ण हुआ। फिर तत्पश्चात मंडी नगर को बसाया गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। बहुत बढ़िया। जय शंकर। जय शंकर। जय शंकर। अब हम यहाँ से 3 किलोमीटर बाहर की ओर जा रहे हैं, तरना माता मंदिर, वहाँ चल के माता जी के दर्शन करेंगे। सतारहवीं शताब्दी की बात है, बंगाल से एक सैन फैमिली हिमाचल प्रदेश में आई तो उन्होंने जगह जगह अपने राज्य स्थापित किए। मंडी में राजा श्याम सैन ने राज्य स्थापित किया। उनको शिकार खेलने का बहुत शौक़ होता था, तो मंडी शहर सारा जंगल होता था, तो अपने महल से टेलीस्कोप से शिकार देखते थे। एक दिन जब वो इस पहाड़ी में शिकार देख रहे थे तो उनको यहाँ 3 कन्या नज़र आई। राजा जब यहाँ आए तो कन्या लुप्त हो गई। फिर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए कि हम 3 माता हैं, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, हम इस पहाड़ी में पिंडी रूप धारण कर रहे हैं, आप यहाँ खुदवाई कीजिए, तो आपको यहाँ 3 मूर्ति मिली। फिर राजा ने यहाँ खुदवाई की और 3 मूर्ति यहाँ प्रकट हुई। और इस माता का बहुत तेज है, बहुत विराट रूप है, तो इस माता के सामने से दर्शन नहीं करते, तभी तो दरवाज़ा साइड में है और अंदर जो राजा ने सारा गोल्ड की निकासी की हुई है। और जो तारना माता बोलते हैं, वो वैसे तो श्यामा काली बोलते हैं, लेकिन तारना माता जो मशहूर हुआ है तो तारने वाली माता है। आप मनोकामना जो भी लेके आएंगे यहाँ तो पूर्ण होगी। जय माता दी। हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो 15-20 मिनट में स्टेपनी चेंज करके किसी पंचर शॉप में जाएंगे, उसके बाद मार्केट और उसके बाद रिवाल्सर। इस समय मैं अपने गेस्ट हाउस के थोड़ा बाहर की तरफ ही खड़ा हूँ। मैं आपको रिवाल्सर के बारे में कुछ बताता हूँ। ये जगह पवित्र स्थान है, यहाँ पर टेंपल्स भी हैं, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी हैं और गुरुद्वारा भी है। हमारे गेस्ट हाउस के बाहर से ही आप गुरु पद्म संभवा जी के दर्शन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से चलते हैं और रिवाल्सर खुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। हमारे गेस्ट हाउस से मैं 100 मीटर ही बाहर की तरफ आया तो रिवाल्सर की मार्केट है। यहाँ पर मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ, जो स्ट्रीट फूड है यहाँ का वो है मोमो, चाउमिन। सामने भी देखो आप, BS फास्ट फूड में भी यही लिखा हुआ है, चिल्ली चीज़, थुपका, उधर भी मेरे को वही दिखाई दे रहा है। मेरी बैक साइड में भी नोरबू फास्ट फूड में चाइनीज़ फूड ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मोनेस्ट्री का गेट तो बंद है अभी, तो बाहर से ही माथा टेक लेते हैं। यहां पर ना ऊपर भी एक मोनेस्ट्री है, वहां चलते हैं। जिगार्ड रुकपा मोनेस्ट्री, यहाँ पर भी गेट क्लोज है, बाहर लिखा भी हुआ है विजिटर्स नॉट अलाउड। चलिए आगे को चलते हैं।
हम रिवालसर ऐसे समय आए हैं जब यात्री भी नहीं है और जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो भी क्लोज्ड हैं कोविड की वजह से। थोड़ा सा और घूमते हैं और आपको रिवालसर लेक भी दिखाते हैं, सामने ही लेक है। शिव मंदिर के साथ ही लोमेश ऋषि जी का भी मंदिर है। इस स्थान पर लोमेश ऋषि जी ने तप किया, तपस्या करी, उसके बाद भगवान शिव और माँ पार्वती ने उनको इसी जगह पर दर्शन भी दिए। इस समय हम लेक किनारे ही खड़े हैं। हमें कुछ बौद्ध धर्म फॉलो करने वाले लोगों ने बताया कि ये सरोवर जो आप सामने देख रहे हैं, इसी जगह गुरु पद्म संभवा जी ने लोटस पर बैठकर अपने असली रूप के दर्शन दिए। फिर यहाँ से वो तिब्बत की ओर गए और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। झील किनारे जब आप परिक्रमा करेंगे तो मोनेस्ट्री, टेम्पल, गुरुद्वारा साहिब आप विजिट कर सकते हैं। हम 5 मिनट में गुरुद्वारा साहिब के एंट्री गेट तक पहुंच गए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन पवित्र इतिहासक स्थान सिखा दे 10वें गुरु साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान है। इत्थे सतगुरु पातशाह जी ने विसाखी वाले दिन 22 धार दे राजियां नू संबोधन किया। इत्थे गुरु पातशाह जी ने खंडे बाटे की अमृत की पहल भी तैयार की। इत्थे गुरु पातशाह जी 1 महीना 2 दिन रहन उपरंत इत्थे तो फिर मंडी वाले राजे सिद्ध सैन ने महाराज जी नू बेनती करके मंडी रियासत विखे जाना स्वीकार किया। उत्थे मंडी रियासत विखे सतगुरु पातशाह जी ने 6 महीने 18 दिन विश्राम किया। उस उपरंत पातशाह गुरु महाराज जी गुरु कोठा साहब गए। गुरु कोठा साहब तो हुंदिया महाराज जी ने श्री आनंदपुर साहब विखे वापसी की। गुरमुखो इस पावन पवित्र स्थान की सेवा मंडी वाले राजे सिद्ध सैन की 5वीं पीढ़ी के राजा जोगिंदर सैन ने सन 1928 ईस्वी में शुरू की। उस उपरंत 31/7/1984 तो इस स्थान की सेवा सचखंड वासी बाबा लाभ सिंह जी की प्रेरणा के नाल उन्होंने बसाए हुए महापुरुखों वालों की जा रही है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी, गुरु का लंगर तैयार है, लंगर छको। अच्छा, लंगर ठीक है जी। इस तरफ हमने तो गुरुद्वारे में लंगर कर लिया, इस समय मुझे भूख नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे और आपको हिमाचली फूड खाने में इंटरेस्ट है तो आप इस ढाबे में आ सकते हो। तो मैं एक बार इनसे फाइंड आउट कर लेता हूँ कि इनके पास लोकल फूड में क्या क्या अवेलेबल होता है। आपके यहाँ पर हिमाचली खाने में क्या मिलता है? मंडियाली दाल मिलती है, जिसमें आज का मेन्यू है मटर पनीर है, मीठा है, राजमा है, दाल है, खट्टा है, कढ़ी है। अच्छा, तो ये दोपहर और रात को दोनों समय? दोनों समय। तो एक थाली का क्या कॉस्ट होती है? 120 रुपये। हम तो गुरुद्वारे में लंगर कराए, नहीं तो मैं आपके यहाँ पे मंडियाली धाम जरूर खाता। चलो, धन्यवाद। जिस ढाबे पे हम खड़े थे ये कोऑपरेटिव बैंक के साथ है और ढाबे के ठीक सामने यहाँ का लोकल बस स्टैंड है। अब हम यहाँ से 12 किलोमीटर आगे जा रहे हैं नैना देवी टेम्पल। सबसे पहले रास्ते में लेक आएगी, लेक के बाद केव और केव के बाद टेम्पल। तो 12 किलोमीटर है यहाँ से टेम्पल का डिस्टेंस। अभी हम 2 किलोमीटर ऊपर की ओर आए हैं। आप देखो रिवालसर के घर, मोनास्ट्रीज, टेम्पल, गुरुद्वारा, ये सब देख के कितना अच्छा लग रहा है। और सेंटर में लेक व्यू। रिवालसर से 8 किलोमीटर का सफ़र करके चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हम कुंती सार तक पहुंच चुके हैं। यहाँ की लोकल भाषा में सार बोलते हैं, जिसका मतलब होता है झील। सामने चलते हैं झील की ओर।
माता कुंती के नाम से यह लेख है। हम सब जानते ही हैं महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडव जगह जगह गए, उन्हीं सब जगहों में से एक जगह ये है। जब वो यहाँ पर आए तो माता कुंती को प्यास लगी, अर्जुन ने उनकी प्यास बुझाने के लिए तीर चलाया, धरती में जल की धारा निकली और बाद में यहाँ पर इस तरह से झील बन गई। टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, कुछ समय बिताते हैं और फिर आगे केव को जाते हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पर खड़े होके, अच्छा व्यू भी आ रहा है और हवा भी अच्छी चल रही है। अब यहाँ से हम 3 किलोमीटर आगे केव को चलते हैं। गुफा तक जाने का रास्ता इन सीढ़ियों से है, गाड़ी हमने खड़ी कर दी है, ऊपर को चलते हैं। वाओ, अभी हमने 3 किलोमीटर पहले कुंती लेक देखी थी, व्यू देखो कितना अच्छा दिख रहा है। हम गुफा के पास पहुंच चुके हैं। इस समय कोविड की वजह से विजिटर्स के लिए गुफा बंद है। मैं आपको इस केव के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूं। मंडी और जो सराउंडिंग एरियाज हैं, पहले ये जहोर के नाम से जाने जाते थे। जहोर के राजा की बेटी का नाम था मंडार देवी, जिन्होंने यहाँ पर इस गुफा में तपस्या करी। तपस्या के बाद गुरु पद्म संभवा जी ने मंडार देवी को दर्शन दिए। इस बात की राजा को गलतफहमी हुई, उन्होंने अपनी फौज को इंस्ट्रक्शंस दिए कि मेरी बेटी को दफन कर दिया जाए और वो जो पुरुष हैं उनको जिंदा जला दिया जाए। तो गुरु पद्म संभवा जी को रिवालसर लाया गया, यहाँ से जो 12 किलोमीटर नीचे की ओर है, वहाँ पर उनको जिंदा जलाने के लिए लकड़ी तेल जब इकट्ठा किया गया और लकड़ी लगाकर जब तेल डाला गया तो गुरु पद्म संभवा जी ने अपने असली रूप के सबको दर्शन दिए। जो तेल था वो सारा का सारा पानी हो गया और लेक में लोटस और लोटस के ऊपर गुरु पद्म संभवा जी ने सबको दर्शन दिए। बाद में जहोर राजा ने गुरु पद्म संभवा जी से माफ़ी मांगी, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, उनको अपना मुकुट पहनाया और कहते हैं गुरु पद्म संभवा जी यहीं से तिब्बत की ओर चले गए। ये जो पूरी बात मैंने आपको बताई ये 747 AD की बात है। अब हम यहाँ से नीचे की ओर चलते हैं, नज़दीक में ही नैना देवी टेम्पल है, वहाँ जाकर टेम्पल को विजिट करते हैं। केव से 2 किलोमीटर और आगे चलकर हम नैना देवी मंदिर की पार्किंग तक पहुंच चुके हैं। सामने यहाँ पर बोर्ड पे कुछ डिस्टेंसेस लिखे हुए हैं, हिमाचल प्रदेश के जो मेन टाउन्स हैं वहाँ के, पंजाब के मेन टाउन्स और दिल्ली के। वैसे मंदिर में विजिट कर लेने के बाद हमारा प्रोग्राम ये है कि हम मंडी जाएंगे और मंडी से बरोट जाएंगे, तो मंडी यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। आज का हमारा नाइट स्टे बरोट में रहेगा। चलिए जी मंदिर के अंदर चलते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी लेवल थोड़ा ज़्यादा है, मुझे लग रहा था टूरिस्ट कम होंगे, लेकिन कुछ एक गाड़ियाँ यहाँ पर इस समय खड़ी हुई हैं। मंदिर यहाँ पे एक नैना देवी मंदिर आगे भी है ना बिलासपुर, एक नैना देवी मंदिर बिलासपुर में है, पर वो जो है वो नैना देवी से प्रसिद्ध है और इनका जो प्राचीन नाम था वो तारा देवी था इस मंदिर का। अब हम यहाँ से नीचे की ओर उतरते हैं, रिवालसर होते हुए मंडी जाएंगे, तो मंडी पहुँचने में लगभग हमें 1.5 घंटा लगेगा और मंडी से आगे बरोट पहुँचने में लगभग 2 घंटे। इस समय 5 बजने का टाइम हो चुका है, तो 8:30 और 9 बजेंगे हमें बरोट पहुँचते। रात को 10:15 बजे फाइनली हम बरोट वैली पहुँच चुके हैं। यहाँ पर रहने के लिए हमने कॉटेज एकोमोडेशन ली है, डबल ऑक्यूपेंसी में। वैसे टैरिफ यहाँ पे 2500 रहता है, 300 रुपये डिस्काउंट करके 2200 रुपये। हल्की हल्की नदी की साउंड सुनाई दे रही है, पानी की साउंड सुनाई दे रही है। यहाँ से ऊल नदी सिर्फ 100 मीटर के डिस्टेंस पर है। मौसम ठंडा है, गाड़ी से निकलने से जस्ट पहले मैंने स्वेटर पहन लिया, स्वेटर पहनने के बावजूद ठंडा लग रहा है। अब बरोट वैली में क्या क्या देखने को है, नज़ारा कैसा, ये सब हम कल देखेंगे और आपको भी कल दिखाएंगे जो आप अगले एपिसोड में देखोगे। आज के लिए आपको बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।